चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ मशरूम की सब्जी और मेरे घर की प्यारी सी दाल की, ठीक है। तो मैं अपने दाल की रेसिपी दिखाऊंगी और मशरूम की सब्जी कि कैसे बनता है। मशरूम की सब्जी एक रस वाला बनता है, एक बिना रस वाला बनता है, ठीक है। मतलब एक ग्रेवी वाला बनता है, एक बिना ग्रेवी वाला बनता है, रोटी के साथ खाने वाला। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम रोटी के साथ खा भी लेते हैं, चावल के साथ भी खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग घर में दाल चावल और डेली बनते हैं, डेली दाल चावल डेली, ठीक है। तो आज हम चलते हैं आपको रेसिपी दिखाना है मशरूम की। आपको चाहिए यहाँ पे प्याज दो और दो टमाटर, ठीक है। अगर एक मशरूम का डब्बा है तो दो प्याज दो टमाटर, दो है तो आप इसका एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है। और ये रहे हमारे मशरूम जो कि मैंने भिगा के रखा है पानी में अभी। अब इसको धो के तो कढ़ाई बिठा दिया है, कढ़ाई में डालते हैं तेल। तो तेल डालते हैं पहले, ये है प्योर सरसों का तेल मेरे घर का। और इधर दाल अभी उबल चुका है, मतलब बंगाली में बोले तो सिद्ध हो गया है दाल। अब इसको हम छौंक लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया है हमारा, तेल गरम हो जाता है तब हम इसमें छौंक लगाएंगे किस किस चीज़ का वो भी आपको। तो ये रहा सूखी मिर्च और इतना जीरा हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब तो चला देंगे अच्छे से। चला देंगे जब ये काला हो जाएगा, देन इसके अंदर डाल देंगे हम अपना प्याज और टमाटर। और हमारे घर में थोड़ा मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं और तेल भी, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से तेल डाला है, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हो। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये, इसके अंदर हम डालेंगे नमक थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, चला देंगे अच्छे से। अब हम इसको गलने का वेट करेंगे प्याज और टमाटर का। तो अब हम अपना दाल का छौंक लगाएंगे, ठीक है। दाल मैंने अच्छे से घोल लिया है और ये रहा मेरा पैन जिसमें मैं दाल छौंक लगाऊंगी। तो इसमें डाल देते हैं घी, जो कि घी ख़त्म हो गया मेरा अब, तो जितना था मैंने डाल दिया घी। अब इसको होने देते, थोड़ा सा गलने देंगे, गैस तेज कर देते थोड़ा सा। अंदर हमने डाल दिया जीरा और सूखी मिर्च। अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन, A few moments later. तो अभी हमने अपना दाल छौंक लगा दिया है। बस मैं अपना सिंपल दाल ऐसे ही बनाती हूँ। और दाल में मैंने टमाटर पहले से उबाल दिया था, तो मेरा दाल अच्छे से पक जाएगा, तब मैं गैस बंद कर दूंगी। और तब तक इसको देखते हैं हम लोग। वो प्याज अभी नहीं गले हैं, टमाटर गल चुके हैं थोड़े बहुत। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, हमने डाल दिया अपना मशरूम। अब इसको चला देंगे अच्छे से। अब इसको पकने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे 15-20 मिनट।
सो अभी गाइस खाना बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रेसिपी, वो बहुत ही अच्छा बना था, मैंने खुद खाया था। खाना बनने के बाद ही मैं खा लेता क्योंकि मेरे को बहुत ही भूख लग जाती है आजकल। तो अभी मिस्टू खा रहा है खाना, और मिस्टू अभी लंच इसलिए कर रहे क्योंकि मिस्टू थोड़ा बैंक गए थे, तो मिस्टू को अभी टाइम नहीं मिला, तो मिस्टू को अभी टाइम मिला है। ठीक है गाइस, मिस्टू बताए क्योंकि बुरा मान गए, मतलब गुस्सा है इसलिए, क्योंकि किस लिए गुस्सा हो, क्योंकि मैंने मिस्टू को प्रोटीन बना के नहीं दिया, इसलिए भाई देखो खुद को भी लेना चाहिए, बनाना नहीं होता उसको सिर्फ। हाँ बनाता ऐसे बोले कि पका के दोगी गैस पर अच्छे से भूज के दोगी। अरे जैसे कार्तिक का सैलेक्स बनाता हूँ ना मैं, वैसे मिस्टू का प्रोटीन बनाना पड़ता है। बट मैंने बोला कि अभी खाने का टाइम है, खाना खा रहेगा तो खाना खा लो, वो तो तुम शाम को ही पी सकते हो। तो मिस्टू अपना खाना खा रहे क्योंकि कल मिस्टू ने अपना फिश नहीं खाया था, तो मिस्टू ने आज खाया क्योंकि कल मिस्टू का पेट भरा हो रहा, तो मिस्टू ने खाना नहीं खाया था, तो खा रही मैंने खाना खाया था रात को से। और वहाँ पे कार्तिक खेल रहे कार्तिक ए इधर, यहीं पे खेलता है यहाँ पे खड़े होके, पता नहीं क्या मजा आता है इसको। तो अभी चल रहे कार्तिक को भी लंच कराने, अभी सो के उठाए, आ जाओ। तो अभी गए हम लोग आ चुके हैं घर पे, और निकी बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग पे आई है, बहुत दिनों बाद। और निक्की अभी बाल बनवा रही निशु से। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? मामा ने वो बंदे ने मार दिया। हाँ, हाँ। उनके उनके दोस्त ने बैग नहीं लिया। हाँ, हाँ। तो बंदूक भी नहीं था उनके पास। हाँ। तो बंदा आके फिर मार दिया। हाँ। फिर उन्होंने फोन की चला के ऐसे कर दिया फिनिश। मतलब वो अपना वाला फोन तोड़ के नानू का लेना चाहता है। निकी तेरा रबर गिरा दिया कार्तिक ने। कहाँ है वो बैग? चलो फोन ही दूसरा लेकर नानी घर से। तो अभी यहाँ का गाइस शाम का टाइम है, तो माहौल काफी खिचमिच वाला हो रहा है, और देख यहाँ पे सो गाइस यहाँ का मौसम देख सकते हो आप, काफी ब्यूटीफुल सा हो रहा है। मेरे वहाँ तो दिखता ही नहीं क्योंकि हम लोग एक कोपचे में रहते तो वहाँ पे दिखता नहीं है, और यहाँ पे खुला है पूरा, तो इतना मस्त लग रहा है ना। देखो आसमान, देखो देखो सालो आसमान, और ये शाम का टाइम है गाइस, तो बहुत ही क्राउड हो रहा है यहाँ पे मार्केट साइड में, बहुत ही ज्यादा। देखो एक छोटा बाबू है, खेलेगा उसके साथ। तुम खेलते हो क्या? ये लड़की 10 बार कंघी कराते हैं, 10 बार इसको मतलब इसको जब बाल ही नहीं तो कंघी करने की क्या जरूरत है? ऐसे चला ना तो कंघी करा, कंघी करने की तुमको क्या जरूरत है मेरे को बताओ भी। तो भी कार्तिक भी तक कंघी नहीं करता, तक तुम कर जितना भी है ना, कंघी नहीं करना चाहिए, इतना कंघी नहीं करना चाहिए। तभी कार्तिक के इधर आने वाला है, पापा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो ठीक कर रहे थे। बाबू कार्तिक अभी और एक बाबू आएगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.